मैं हूँ सुप्रिया। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों से। फिर अवैध पटाखा कारोबारियों पर गिरा प्रशासनिक गाज, एसडीओ के नेतृत्व में बीबीसी रोड में की गई छापेमारी, भारी मात्रा में अवैध पटाखा जब्त। बीएनएस डीओवी में दो दिवसीय क्लस्टर लेवल नेशनल स्पोर्ट्स का समापन, डीएवी समूह के 14 स्कूलों ने लिया भाग, सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति के साथ समापन समारोह संपन्न। एसएसबीएम में दो दिवसीय प्रांतीय ज्ञान विज्ञान मेला संपन्न, छात्रों ने लगाया शानदार विज्ञान प्रदर्शनी, जेक के अध्यक्ष सहित कई गणमान्य समापन समारोह में हुए शरीक। और पूर्व विधायक सरफराज अहमद ने बेंगाबाद के विभिन्न क्षेत्रों का किया दौरा, भारी बारिश से हुई तबाही का लिया जायजा, सरकार से की समस्याओं के निराकरण की मांग। अब खबरें विस्तार से। अवैध पटाखा कारोबारियों के खिलाफ मुहिम लगातार जारी है। सोमवार को फिर प्रशासन द्वारा शहरी क्षेत्र की बीबीसी रोड समेत अन्य स्थानों पर छापेमारी कर अवैध पटाखा जब्त किया गया। गिरिडीह में अवैध पटाखा कारोबारियों की सामत आ गई है। लगातार जिला प्रशासन की ओर से अवैध रूप से संचालित पटाखा कारोबार के खिलाफ मुहिम चलाकर पटाखा के भंडार को जब्त किया जा रहा है। सोमवार को फिर एसडीएम जाधव विजया नारायण के नेतृत्व में बीबीसी रोड में छापेमारी की गई और पटाखों के भंडार को जब्त किया गया। यहां छापेमारी दल के अधिकारियों ने मोहम्मद कमरुद्दीन उर्फ छोटन के मकान से भारी मात्रा में पटाखा बरामद किया। बताया गया कि पटाखा व्यवसायी मोहम्मद आजम ने यहां पटाखों का भंडारण किया था। मौके पर से अधिकारी मकान मालिक को आवश्यक पूछताछ के लिए अपने साथ ले गए। इसके बाद छापामारी टीम ने शहर के अन्य स्थानों पर भी दबिश दी और पटाखा के अवैध कारोबार से संबंधित पूछताछ की। प्रशासन की इस कार्रवाई से पटाखा कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। दीपावली को लेकर झंडा मैदान में पटाखा दुकान लगना शुरू हो गया है, लेकिन इस वर्ष पटाखा विक्रेताओं में दुकान लगाने को लेकर कोई उत्साह नहीं है। पटाखा विक्रेता बेचने के समय को लेकर काफी आक्रोशित है। विगत वर्षों के समान इस वर्ष भी दिवाली को लेकर झंडा मैदान में पटाखे की दुकान लगाए जा रहे हैं, लेकिन बिक्री के समय को लेकर इस बार विक्रेताओं में कोई उत्साह नहीं बल्कि आक्रोश दिख रहा है। पटाखा विक्रेताओं का कहना है कि पूर्व के वर्षों में सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक पटाखा बेचने का समय निर्धारित था, जिसे अब सुबह 10 बजे से संध्या 5 बजे तक निर्धारित कर दिया गया है। इनका कहना है कि पटाखों की बिक्री संध्या 5 बजे के बाद ही होती है, ऐसी स्थिति में व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित होगी। साथ ही बिक्री के लिए लाइसेंस लेने की प्रक्रिया भी अब जटिल हो गई है। पटाखा विक्रेताओं ने एसडीओ से लाइसेंस की प्रक्रिया को सरल करने तथा बिक्री के समय में परिवर्तन की मांग की है। और जब तक लाइसेंस के लिए हम लोग अप्लाई किए हुए थे और लाइसेंस का अप्लाई किया हुआ है, प्रशासन की ढिलाई की वजह से लाइसेंस नहीं मिला। अभी तक जो है वो प्रोसेस में पड़ा हुआ है, प्रोसेस में लाइसेंस पड़ा हुआ है। अभी तक हम लोग बेच रहे थे, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा, समझ गए ना, जो ज़्यादा जखीरा बना के रखे हुए थे वो अवैध, इतना जो है उस इलाके में रखने का नहीं है प्रोसेस। ठीक है, दुकानदारी हो रही थी और दुकानदार जो है थोड़ा बहुत अपना रखने के लिए रख सकता था। कारण है कि लाइसेंस लेने में काफ़ी परेशानी होती है, बहुत चक्कर लगाना पड़ता है, बहुत दौड़ना पड़ता है, बहुत
जब तक हम लोग लाइसेंस लेने के लिए सोचते हैं तब तक एकदम मैंने दीपावली एकदम इतने का समय एकदम नजदीक आ जाता है, पूंजी फंस जाता है। हाँ, पूंजी फंस जाता है हम लोग का, यही कारण से हम लोग बेच नहीं पाते हैं। समय हम लोग को ज़्यादा नहीं मिलता है, इसके कारण हम लोग को बेचने में काफ़ी परेशानी होता है, इसीलिए यही सब कारण से हम लोग इस बार पटाखा नहीं बेचे। अवैध कोयला कारोबारियों के खिलाफ गिरिडीह में पुलिस ने फिर अभियान छेड़ दिया है। सोमवार को मुफस्सिल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कोयला लदी 9 बैलगाड़ियों को जब्त किया, वहीं इस कारोबार से जुड़े 3 लोगों को हिरासत में लिया। इस बाबत मुफस्सिल थाना प्रभारी आर.एन. चौधरी ने बताया कि गुप्त सूचना के आलोक में कोयलांचल क्षेत्र में छापेमारी की गई है। इस दौरान करीब 10 से 12 टन कोयले के साथ 9 बैलगाड़ी को कब्जे में लिया गया है, वहीं 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। गौरतलब है कि गिरिडीह का कोयलांचल कोयला माफियाओं के लिए चारागाह से कम नहीं है। लगातार यहां से अवैध कोयले की तस्करी कर माफिया तत्व चांदी काटते रहते हैं, लेकिन एक बार फिर इस क्षेत्र में पुलिसिया कार्रवाई से इनके होश फाकता है। अवैध कोयला तस्करों के विरुद्ध छापेमारी प्रारंभ की गई, जिस क्रम में 9 बैलगाड़ी, 1 दर्जन से अधिक बैल, करीब 10 से 12 टन कोयला पकड़ा गया है और इस क्रम में 3 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई जारी है, कोयला चोरों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई होती रहेगी। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सब पूर्व विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद सोमवार को बेंगाबाद प्रखंड के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने भारी बारिश के कारण प्रखंड अंतर्गत क्षतिग्रस्त हुए पुल पुलिया का मुआयना किया और लोगों की समस्याओं से रूबरू हुए। बीते दिनों हुई बारिश ने बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र में काफी तबाही मचाया है। प्रखंड अंतर्गत विभिन्न इलाकों में कई पुल पुलिया ध्वस्त हो गए और कई गरीबों का कच्चा मकान गिर गया, जिससे लोगों के सामने विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। सोमवार को गांडे विधानसभा के पूर्व विधायक सह वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डॉक्टर सरफराज अहमद ने बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र का दौरा कर बारिश से हुई तबाही का जायजा लिया। इस क्रम में उन्होंने लुप्पी, भलकुद्दर, नया डाबर, गोलगो, छोटकी खरगडीहा समेत अन्य इलाकों का भ्रमण किया और क्षेत्र के लोगों की समस्याओं से रूबरू हुए। मौके पर उन्होंने कहा कि बारिश के कारण प्रखंड का कई इलाका काफी प्रभावित हुआ है, कई पुल पुलिया ध्वस्त हो गए हैं, सड़कों का कटाव हो गया है, जिससे आवागमन काफी प्रभावित हुआ है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि जल्द सड़कों एवं पुल पुलियों का निर्माण कराया जाए ताकि क्षेत्र की जनता को समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। मौके पर जैनुल अंसारी, दाऊद अंसारी, आसिक अंसारी, तजम्मुल, सोहन पंडित, मोहन सिंह, सरफराज, कमरू शेख, श्याम यादव, राधे पंडित समेत अन्य लोग मौजूद थे। सबसे ज़्यादा नुकसान तो लुप्पी हुआ है, यहाँ पर हुआ है, और कुछ लगता है जल्दीबाजी में गार्डवाल देके मट्टी वट्टी भर दिया गया। आवागमन की बहुत ज़्यादा परेशानी है गांव के लोगों को, यही एक रास्ता था जो, इसलिए जितना जल्दी से जल्द हो इसमें काम करके और जो भी इसका बनाने का रास्ता निकले इसका उपाय करना चाहिए। आने के पहले मैं 2-3 जगह और गया था और मैं वीडियो से भी मिला था, तो उनसे भी हमने कहा है कि जो भी बेंगाबाद में ये हुआ है 4-5 जगह पे, आपको जितना जल्दी हो इसका एस्टिमेट वगैरह बना करके आप
उपायुक्त महोदय को दें और उनसे फिर हम लोग भी कहेंगे कि जिस तरह से भी, क्योंकि छोटे फंड से इतना काम नहीं हो पाएगा, ये जिला का ही कोई बड़ा फंड हो या किसी विभाग के फंड से ये काम हो पाएगा। बीएनएसडीएवी में क्लस्टर लेवल दो दिवसीय नेशनल स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया गया था। सोमवार को समारोह पूर्वक स्पोर्ट्स मीट की समाप्ति हुई। सिरसा स्थित बीएनएसडीएवी स्कूल में क्लस्टर लेवल नेशनल स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया गया था। सोमवार को भव्य समारोह के साथ इस आयोजन की समाप्ति की गई। इस स्पोर्ट्स मीट में धनबाद जोन के 14 विद्यालयों ने हिस्सा लिया था। टूर्नामेंट में बास्केटबॉल, हॉकी और क्रिकेट को शामिल कराया गया था। टूर्नामेंट में क्रिकेट बालक वर्ग में बीएनएस ने बाजी मारी, वहीं बालिका वर्ग में जीएबी लोधना विजेता रही। इसी तरह बालक वर्ग हॉकी में बीएनएस जीएबी ने बाजी मार ली तो बालिका वर्ग में भी बीएनएस की जीत हुई। इधर बास्केटबॉल बालिका वर्ग में सीएफआरआई धनबाद के नाम खिताब गया तो बालक वर्ग में बोकारो डीएवी विजेता बना। विजेता टीमों के सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित कर सभी को पुरस्कृत किया गया। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि सीआरपीएफ कमांडेंट प्रदीप सिंह कैले शरीक हुए। वहीं मौके पर विद्यालय के प्रिंसिपल पी हाजरा समेत पूरा विद्यालय परिवार मौजूद था। यहां स्कूली बच्चों ने दंगल नृत्य कर समारोह में चार चांद लगा दिया। अंत में राष्ट्रगान के साथ समारोह की समाप्ति की गई।
इस साल 2017 में मेरे स्कूल में डीएवी नेशनल स्पोर्ट्स की कुछ इवेंट का जो है प्रतियोगिता हुआ है, और धनबाद जोन के सारे स्कूल्स भाग लिए हैं, जिसमें हम लोग को जो इवेंट दिया गया था वो क्रिकेट, हॉकी एंड बास्केटबॉल, जिसमें सारे स्कूल्स की तरह जो है ना बॉयज़ एंड गर्ल्स पार्टिसिपेट किए, और काफ़ी 1400-1500 बच्चे आए थे, जो 14 तारीख को ही आ गए थे, और 15 और 16 हमारा प्रोग्राम हुआ, और सारे का व्यवस्था यहाँ बहुत अच्छी तरह से हुई, और सारे बच्चे अच्छा प्रदर्शन किए। विद्या विकास समिति द्वारा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में 2 दिवसीय प्रांत ज्ञान विज्ञान मेला सोमवार को समाप्त हुआ। इस मौके पर यहाँ शानदार विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में सोमवार को 2 दिवसीय प्रांतीय ज्ञान विज्ञान मेला का समापन हुआ। इस मौके पर यहां स्कूल के बच्चों द्वारा शानदार विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस डस्टिक से बाहर आ जाएगा, यहाँ पर चिकनाटा नीचे आ रहा है। समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि जैक के अध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में गिरिडीह के एसपी अखिलेश बी वैरियर उपस्थित थे। समारोह को उक्त अतिथियों के अलावा प्रधानाचार्य मदन मोहन मिश्रा, प्रांतीय विज्ञान प्रमुख प्रवीण, प्रदेश सचिव मुकेश नंदन, उदय शंकर उपाध्याय और विभाग प्रमुख गोपेश कुमार घोष ने संबोधित किया। कार्यक्रम में हिमांशु कुमार ने एकल गीत की प्रस्तुति की, जबकि लोगों ने सामूहिक रूप से वंदे मातरम गीत गाया। समारोह में मंच संचालन रामावतार साहू ने किया। आदरणीय मंचासीन अधिकारी बहन, उपस्थित आचार्य दीदी जी, संदेश देने ही हम आपके साथ और आपके समक्ष आए हैं। और एक और बात हम बताना चाहते हैं, जो आप हमसे पूर्व जो मुख्य वक्ता जी ने जो बोला, उसमें से कुछ बातें हमें सामने आई। आपकी उम्र में अब हमें भी ज्यादा अनुभव तो नहीं है, हम भी उतने एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन
हमको लगता है कि आपकी उम्र में तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक इमेजिनेशन, अगर आप लोग मेरे साथ एक एक्सरसाइज करेंगे तो ये इमेजिनेशन क्या होता है ये हम दर्शाना चाह रहे हैं। आप लोग सब अपनी आंख बंद कीजिए। अभी आपको लग रहा होगा थोड़ी गर्मी, भीड़ ज्यादा है, अगल बगल में लोग हैं, हो सकता है थोड़ी भूख भी लग रही हो। अब आप सोचिए कि आप एक पहाड़ के ऊपर खड़े अकेले, पूरा हरा भरा पहाड़, ठंडी हवा का झोंका चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि आप अभी उड़ जाएंगे। और सोचिए कि आपके पर खुले और आप उड़ गए। कि उनका यदि मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुआ होता तो शायद आप इतनी प्रस्थित प्रस्तुति नहीं दे पाते। मैं ये बराबर कहा करता हूं कि आचार्य वह रामकृष्ण परमहंस होते हैं जो बालक नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद बना देते हैं। अगर नरेंद्र का रूपांतरण स्वामी विवेकानंद में हुआ तो वह रामकृष्ण परमहंस के बिना नहीं हो सकता। अगर राम मर्यादा पुरुषोत्तम बने हैं तो निश्चित रूप से उस निर्मिति में गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसलिए इस कार्यक्रम की सफलता के लिए इन बाल वैज्ञानिकों के साथ साथ उनके मार्गदर्शक आचार्य भी सचमुच में अभिनंदन के पात्र हैं। वे प्रशंसनीय काम उन्होंने किया है। तिलोडी फुटबॉल मैदान में रविवार को प्रवेश गद्दी मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया। फाइनल मैच में बियासी क्लब धनबाद ने केजीएन क्लब दुधनिया को हराकर चैंपियनशिप ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। तेलोडी फुटबॉल क्लब द्वारा रविवार को तेलोडी में प्रवेश गद्दी मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच बियासी क्लब धनबाद बनाम केजीएन क्लब दुधनिया के बीच खेला गया। मैच के पेनाल्टी में बियासी क्लब धनबाद ने दुधनिया को हरा कर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। मैच में 18 टीमों ने भाग लिया था। फाइनल मैच का उद्घाटन मानवाधिकार सुरक्षा संघ के प्रदेश अध्यक्ष इरशाद अहमद वारिस ने किया, जबकि बतौर मुख्य अतिथि डीएसपी जीत वाहन उराव ने विजेता एवं उप विजेता टीम को पुरस्कृत किया। टूर्नामेंट के आयोजन में मोहम्मद समीम, मोहम्मद फिरोज, मोहम्मद निसार आलम, मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद रियाज आदि ने सराहनीय योगदान किया। और जो खिलाड़ी हैं बिल्कुल आपको तो देख सिलसिला बिल्कुल गेंद रेफरी यानी मुख्य निर्णायक भूमिका जो अदा करेंगे वो हैं हमारे आरोपी और मोहम्मद नासिर भाई के बीच। सबसे पहले आप सबों से आग्रह कि आप यहाँ से हट जाए, जगह छोड़ क्या पर यहाँ पर क्या करते हैं फिलहाल बोल अभी उसी के पास कितने लगा हो कमेटी के सदस्य टीम के सदस्य आप हम लोगों से संपर्क करिए। दूसरा चीज की दो तीन ऐसे मौके हैं जहाँ हम लोगों के साथ इंटरेक्शन का मौका मिला। यहाँ का अनुशासन जितने भी बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सभी का देख करके बहुत खुशी होता है कि इतने अनुशासित ढंग से आप इतना आयोजन करते हैं। एक अच्छा प्रोग्राम इन लोगों ने पेश किया। इस प्रोग्राम के तहत जो एक कौमी एकता का एक संदेश जाता है और इस कौमी एकता पर हम लोग को चलना है। हमारा देश लोकतंत्र है, आज भी और कल भी लोकतंत्र रहेगा, ये हम लोग की कामना है। और ये जो आज हम लोग देख रहे हैं ये फुटबॉल मैच चल रहा है,
मैं ये इनके आयोजनकर्ता का शुक्रिया अदा करता हूँ। सारे लोग जो हमारे जिला सार से आए हुए हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और मैं उनको ये उम्मीद जताता हूँ कि आने वाला समय में भी हम लोग इस तरह का आयोजन करते रहेंगे ताकि हमारे नौजवानों में खेल के प्रति जागरूकता हो और कौमी एकता का जो संदेश है वो लोगों के बीच में। केंद्रीय चित्रगुप्त पूजा समिति के सांस्कृतिक कार्यक्रम में इस बार धूम मचने वाली है। सुप्रसिद्ध लोक गायिका मनीषा श्रीवास्तव बार लाइब्रेरी के कार्यक्रम में शिरकत करने आ रही है। गिरिडीह में मखमली आवाज की मलिका मनीषा श्रीवास्तव का जादू चलने वाला है। जल्द ही उनकी सुमधुर गीतों से लोग रूबरू होंगे। जी हाँ, केंद्रीय चित्रगुप्त पूजा समिति के तत्वाधान में बाल लाइब्रेरी में होने वाले पूजा और रंगारंग कार्यक्रम में विभिन्न चैनलों पर निकलने वाली सुप्रसिद्ध गायिका मनीषा श्रीवास्तव शिरकत करने वाली है। इस बाबत एसोसिएशन से जुड़े लोगों ने बताया कि इस बार चित्रगुप्त पूजा खूब धूमधाम से करने की तैयारी चल रही है। इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी भव्य होगा। केंद्रीय चित्रगुप्त पूजा समिति की ओर से दिनांक 21/10/2017 को पूजा के दिन पहले सर्वप्रथम हम लोग यहाँ पूजन करेंगे। पूजन के बाद एक बृहद रूप से भैयारी का कार्यक्रम है जिसमें हजारों लोग यहाँ प्रसाद ग्रहण करते हैं, भोजन करते हैं और रात्रि शाम में 7 बजे से एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है जिसमें सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका बहुत फिल्मों में गाना गाई है और भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार मनीषा श्रीवास्तव जी हैं, वो आ रही हैं। यहाँ पर उनका प्रोग्राम है और सभी कार्यक्रम बढ़िया से होगा। दूसरे दिन विसर्जन है, विसर्जन में के बाद भी हम लोग भंडारा का आयोजन करते हैं। कुल मिलाकर के हम लोग एक शानदार कार्यक्रम करने जा रहे हैं, चित्रगुप्त पूजा बढ़िया से होगा। इधर गायिका मनीषा श्रीवास्तव भी गिरिडीह आने को लेकर बेहद उत्साहित है। इनका कहना है कि गिरिडीह में अच्छे श्रोता के बीच जाना एक रोमांचक अनुभव देने वाला होगा। आप सभी गिरिडीह वासियों को मनीषा श्रीवास्तव का प्रणाम। आगामी 21 अक्टूबर को मैं आप सभी से मिलने आपके शहर गिरिडीह आ रही हूँ। हालांकि मैं तीसरी बार गिरिडीह आ रही हूँ लेकिन यह आयोजन मेरे लिए बहुत ही खास है, मेरे लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण आयोजन है और इस आयोजन के लेकर मैं भी तैयारी कर रही हूँ और मैं प्रयास करूँगी अपना बेस्ट देने को। आप लोग आइए कार्यक्रम में और संगीत का लुत्फ उठाइए। बहरहाल अभी से ही सभी उस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। निश्चित ही इंतजार का फल बेहद मीठे सुरताल से सजा होगा। स्टेशन रोड में सोमवार को विनायक कनेक्ट नामक मोबाइल दुकान का उद्घाटन किया गया। दुकान का उद्घाटन विधायक निर्मल शहबादी के हाथों फीता काट कर किया गया। सोमवार को स्टेशन रोड में विनायक कनेक्ट नामक मोबाइल दुकान का उद्घाटन किया गया। दुकान का उद्घाटन पूरे विधि विधान से की गई। उद्घाटन में मुख्य रूप से विधायक निर्भय साबादी मौजूद थे। दुकान का उद्घाटन विधायक ने फीता काट कर किया। बताया गया कि दुकान में सभी तरह के लेटेस्ट स्मार्टफोन्स, कीपैड आदि उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। मौके पर मनीष विनायक, आतिश कुमार, श्रेष्ठ कुमार, शशि सिन्हा, राजकेसरी आदि मौजूद थे। टेलीकॉम के तत्वाधान में आज एक विनायक कनेक्ट प्रतिष्ठान का उद्घाटन आज हुआ है। बहुत शुभ मुहूर्त में आज इसका उद्घाटन किया गया है। इनका चेन ऑफ नेटवर्क है। प्रतिष्ठान को उद्घाटन करते हुए मेरी ईश्वर से कामना है कि ये प्रतिष्ठान भी
काफ़ी तरक्की करे, उन्नति करे, चूँकि टेलीकॉम से कई लोग जुड़ रहे हैं। आज हमारे 125 करोड़ की आबादी हमारे देश की टेलीकॉम व्यवस्था पर पूरी तरह से निर्भर हो गई है। इस सुविधा का केंद्र नए प्रकार से नए कैलेबर में इस प्रतिष्ठान का आज उद्घाटन हुआ है। मेरी बहुत बहुत मनीष जी को, इनके जो डायरेक्टर है उनको बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं, इनके परिवार को मेरी बहुत बधाई है। साथ ही गिरिडीह की जनता से निवेदन है कि ऐसे प्रतिष्ठान का लाभ उठाने का काम करें। आज हमारी नई दुकान विनायक कनेक्ट का उद्घाटन निर्वेश आबादी जी के हाथों हुआ। मेरा पहले से एक दुकान थी विनायक टेलीकॉम बस स्टैंड रोड में है। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अच्छा से अच्छा सर्विस दूं और अच्छा से अच्छा मोबाइल ग्राहकों को दूं जिसमें कि कोई कंप्लेन ना हो। और इस तरह से मेरे सारे एरिया में ग्राहक है और ग्राहक के डिमांड पे हमने एक स्टेशन रोड में दुकान किया है और मुझे उम्मीद है कि गिरिडीह की पब्लिक मुझे भरपूर सहयोग करेगी और मेरी दुकान में आकर मोबाइल परचेज करेंगे वो लोग। अंत में नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। फिर अवैध पटाखा कारोबारियों पर गिरा प्रशासनिक गाज। एसडीओ के नेतृत्व में बीबीसी रोड में की गई छापेमारी, भारी मात्रा में अवैध पटाखा जब्त। बीएनएस डीओवी में 2 दिवसीय क्लस्टर लेवल नेशनल स्पोर्ट्स का समापन। डीएवी समूह के 14 स्कूलों ने लिया भाग। सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति के साथ समापन समारोह संपन्न। एसएसबीएम में 2 दिवसीय प्रांतीय ज्ञान विज्ञान मेला संपन्न। छात्रों ने लगाया शानदार विज्ञान प्रदर्शनी। जेक के अध्यक्ष सहित कई गणमान्य समापन समारोह में हुए शरीक। और पूर्व विधायक सरफराज अहमद ने बेंगाबाद के विभिन्न क्षेत्रों का किया दौरा। भारी बारिश से हुई तबाही का लिया जायजा। सरकार से की समस्याओं के निराकरण की मांग। तो ये था हमारा आज का अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ विशेष खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।